हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं अपने गार्डन का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे 10 बजे प्रोटोलाका के कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैं अभी लेकर के आया था। इनको मैंने ये पॉपी के मेरे जो प्लांट्स हैं उन्हीं के साथ में मैंने इनको लगा दिया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये पॉपी के प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका जो स्पेस है उसका यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने इन प्लांट्स को लगा दिया है। ये इसमें ग्रो होते रहेंगे और फिर बाद में इजीली मैं इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकता हूँ बड़े पॉट्स में। ये मेरा जीनिया के प्लांट्स हैं दोनों, और कुछ पॉपी प्लांट्स में मेरी फ्लावरिंग भी हो रही है अभी और कुछ पे हो चुकी है। ये मेरा रेन लिली का प्लांट है, इसमें पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे बंच में फ्लावर मिलते हैं मुझे बारिश के मौसम में। ये मेरा क्रिसमस ट्री है, ये मेरा मोगरे का एक और प्लांट है, इसमें मैंने एयर लाइनिंग की थी इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉली बांधा हुआ है पॉलीथीन। इसमें मैंने मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर बांधा था। अभी देखते हैं इसका, एक मैंने बात करी मैं इसको ओपन करूँगा, क्योंकि अभी इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो इस सीज़न में काफ़ी बेटर रहती है, फ्लावरिंग पे भी आता है ये गर्मियों में। तो उसको मैं एक महीने बाद लगभग ओपन करके देखता हूँ इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है। और ये मेरे आइस प्लांट जो मैं लेकर के आया था मैंने लगाए थे, इसमें ये दो प्लांट जो है इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला प्लांट जो है ये थोड़ा सा जो लग रहा है शायद ये डेवलप नहीं हो पाएगा, मुरझा रहा है धीरे धीरे, लेकिन देखते हैं। अभी मैंने इनको छाया में रखा हुआ है, हो सकता है कुछ टाइम में इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाए। ये मेरा गजेनिया का प्लांट है, काफ़ी बुशी हो गया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी अभी भी, और काफ़ी सारे नए नए बर्ड्स भी इसमें निकल रहे हैं। और ये कुछ फ्लावरिंग भी हो चुकी है। और ये मेरे वो गुलदाउदी के प्लांट हैं जिनकी कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा गार्डन ओवरव्यू का, वहाँ मैंने दिखाया था आपको एक प्लांट निकाल करके। उन सबको मैंने यहाँ इस पॉलीथीन में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं था अभी, तो मैंने इन्हें पॉली बैग में लगा दिया है। होपफुली इनकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरे गेंदे के कुछ प्लांट हैं और ये कुछ बैगन के, इनके की सीड्स मैंने डाल दिए थे और ये ग्रो कर गए हैं, और इस वाले प्लांट्स में तो बडिंग भी आनी शुरू हो गई है, काफ़ी छोटे ही हैं ये अभी। फ्रेंड्स, ये मेरे रोज़ प्लांट हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, 3 से 4 साल पुराने हैं ये, और काफ़ी बड़े पॉट में लगे हुए हैं ये। ये लगभग 14 से 16 इंच का पॉट होगा, और ये नई नई बर्ड्स भी आ रही हैं इस पे। और ये मेरा दूसरा प्लांट है रोज़ का, इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और ये इसकी बर्डिंग। काफ़ी बड़े प्लांट हैं ये, 3 से 4 फीट के लगभग। ये एक और मेरा रोज़ का प्लांट है, इस पे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, और वहाँ नीचे गेंदे के सीड्स मैंने डाल दिए थे वो सब जर्मिनेट हो गए हैं, और इस पे भी 4-5 बडिंग्स आई हुई हैं। ये एक और प्लांट है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है आप देख रहे होंगे, और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं ये। फ्रेंड्स, ये मेरा लेमन का प्लांट है, इस पे काफ़ी सारे जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। होपफुली इस बार मुझे अच्छे लेमन मिलेंगे, काफ़ी सारे फ्लावरिंग है और बहुत सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस टाइम पे मैंने वाटरिंग थोड़ी कम कर दी है जिससे कि फूल ज़्यादा गिरे नहीं, झड़े नहीं।
फ्रेंड्स, ये मेरा करी लीव्स का प्लांट है। दो प्लांट है मेरे पास, एक ये छोटा है और एक ये बड़ा प्लांट है। अब इन पे फ्लावरिंग हो रही है और यहीं पर इनके सीड्स डेवलप हो जाएंगे, जिनसे कि आप नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स रहते हैं। और इसी पॉट में एक छोटा सा ये टमाटर का प्लांट अपने आप उग गया था, इसको मैंने हटाया नहीं है और अभी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके छोटे छोटे फूल हैं और स्मेल भी आ रही है इनमें से। और ये मेरे कैबेज लगे हुए हैं, ये मैंने छोटे छोटे जो प्लास्टिक बॉटल रहते हैं, जो कि जिसमें कि डिस्टिल वाटर आता है आपके बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में, जो कि आप डालने में यूज़ करते हैं, उन्हीं में मैंने इनको ग्रो किया हुआ है। और काफ़ी अच्छा साइज़ आप देख रहे होंगे। और इस प्लांट में से, इस पॉट में से मैंने एक कैबेज हार्वेस्ट कर चुका हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी टाइट है ये। और ये मेरे ब्रिंजल के प्लांट हैं, इनमें जो ग्रीन कलर के या जो वाइट कलर के जो लंबे वाले ब्रिंजल आते हैं, वो मैंने लगाए थे उसके सीड्स। और काफ़ी सारी फ्लावरिंग आ रखी है, ये भी उसी तरीके के पॉट में लगे हुए हैं प्लास्टिक में। ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग है। ये चार पांच प्लांट है मेरे पास, कुछ जो इसके फ्लावर हैं वो सूख रहे हैं और नए भी ये निकल रहे हैं। ये देखिए, जिसे होपफुली इनमें कुछ टाइम बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। और ये मेरे देसी रोज़ प्लांट हैं, जिनको कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये पॉली बैग में लगे हुए हैं अभी भी और अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये बर्ड्स भी निकल रही हैं और नई नई। ये दो प्लांट हैं मेरे पास। ये भी मेरा मोगरे का एक प्लांट है, जिसमें कि अभी ग्रोथ शुरू हुई है। कुछ टाइम बाद मैं इसे पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इस सीज़न में अभी ये फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको ग्रो करने के लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, जिसमें कि मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। अभी तो ये एक बैग में ही रखा हुआ है मैंने। और फ्रेंड्स, ये मेरा गेंदे का प्लांट है, देख रहे होंगे आप साइज़ कितना बड़ा फ्लावर आ रहा है इस पे। काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सारी बर्ड्स निकली हुई हैं। और ये मेरा ब्रिंजल के कुछ प्लांट और हैं, ये एक्चुअली एक बड़ी सी क्यारी है, इस तरीके का इसमें ब्रिंजल रहता है। ये एक बैगन निकला था, इसको मैंने सीड्स के लिए रख लिया है, जिससे कि मैं नेक्स्ट सीज़न में भी प्लांट ग्रो कर सकूं। और ये एक बड़े से क्यारी मैंने बनाया था, उसमें मैंने इनको लगाया हुआ है। ये मिंट पुदीना काफ़ी सारा, ये मेरे पिछले सीज़न का, यही सीज़न में मैंने इसको नहीं लगाया, पिछले सीज़न में लगा हुआ था ये। और अच्छी खासी ग्रोथ इसकी चल रही है, जो साइड से निकल के भी यहाँ पे फैलने लग गया है। और ये मेरे पालक के सीड्स तैयार हो रहे हैं, मैंने इसमें पालक ग्रो की थी और अभी उसके सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। और एक ये मेरा प्लांट और है, एक और गेंदे का, इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा।